The question is, find the equation of the circle whose center is at 3, minus 1 and which cuts off a chord of length 6 units on the line 2x minus 5y plus 18 is equals to 0. हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर हमें गिवन है 3 माइनस 1 एंड विच कट्स ऑफ अ कोर्ड ऑफ लेंथ 6 यूनिट्स ऑन द लाइन दिस. वो इस लाइन के ऊपर एक कोर्ड जो है कट ऑफ कर रहा है जिसकी लेंथ 6 यूनिट्स है. मीन्स एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास 3 माइनस 1 है. ठीक है, सपोज ये सी है और एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन है हमारे पास 2x माइनस 5y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0. और ये लाइन के ऊपर जो ये कट ऑफ कर रहा है ये पार्ट, ये कोर्ड, ये इसकी जो लेंथ है वो है 6 यूनिट्स, राइट? यानी कि इस लाइन के ऊपर 6 यूनिट की ये कोर्ड जो है वो कट कर रहा है. तो हमें फाइंड करनी है इस सर्कल की इक्वेशन. तो आप देखो, किसी भी सर्कल की इक्वेशन के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है, एक तो उसका सेंटर और दूसरा उसकी रेडियस. तो सेंटर तो हमें गिवन है तो हमें फाइंड करनी है रेडियस. तो अगर हमने सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पर, इस कोड पर, सपोज ये कोड है हमारे पास पी क्यू और हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सी एल. तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड. तो ये कोड जो है वो टू पार्ट्स में, टू इक्वल लेंथ्स में डिवाइड हो जाएगी. अगर ये टोटल लेंथ 6 यूनिट्स है तो 3 यूनिट्स लेंथ ये रहेगी और 3 यूनिट्स लेंथ ये रहेगी. ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या है कि हम C से लेकर L तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास लाइन की इक्वेशन भी है और ये पॉइंट भी है एंड हमें पता है कि हम एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर है 3 कॉमा माइनस 1 और फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर ड्रॉ सी एल परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड यहाँ पर हमारे पास जो पी क्यू है वो है 6 यूनिट्स और सी एल बाइसेक्ट्स पी क्यू. देयरफोर पी एल एंड एल क्यू आर ओ 3 यूनिट्स, राइट? सो डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम पी क्यू, सी एल जो हमें फाइंड करना है दैट विल बी इक्वल टू, हम देखो एक लाइन अगर हमें गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और एक पॉइंट है हमारे पास एक्स वन वाई वन, तो इसका डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस पॉइंट को आप सब्सटीट्यूट करेंगे इस लाइन में ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन हमारे पास क्या आएगा, जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर अंडर द रूट. ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा. तो यहाँ पर वही अप्लाई करना है, 3 एंड माइनस 1 इस लाइन में हम पुट करेंगे. सो 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 18 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 5 प्लस 18 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 4 प्लस 25. तो ये हमारे पास बचेगा 29 अपॉन अंडर रूट 29, दैट इज अंडर रूट 29. मीन्स जो हमारे पास सी एल है उसकी लेंथ आ गई है अंडर रूट 29. अब अगर हम सी पी को ज्वाइन करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू रेडियस. तो यहाँ से हमारे पास पी एल की लेंथ है, सी एल की लेंथ है, तो पाइथागोरस का यूज़ करके हम सी पी की लेंथ भी फाइंड कर लेंगे. सो इन ट्राइंगल सी एल पी हमारे पास क्या होगा, सी पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी एल स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर. मीन्स सी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एल, सी एल हमारा अंडर रूट 29 स्क्वायर एंड पी एल हमारा 3 स्क्वायर. तो ये क्या बन जाएगा, 29 प्लस 9 दैट इज 38. सो सी पी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 38. तो रेडियस जो है वो हमारे पास आ चुकी है अंडर रूट 38 यूनिट्स. तो अब हम बना लेंगे इस सर्कल की इक्वेशन. सो नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. एक्स माइनस एच, तो यहाँ पर एच क्या हमारे पास 3, वाई माइनस ऑफ के यानी कि वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 38 स्क्वायर. ओपन करेंगे यहाँ पर हम
एक्स स्क्वायर 9 6x वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 38, राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y 9 प्लस 1 10 हो गया और ये बच्चे का हमारे पास माइनस का 28 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई सर्कल की। थैंक यू।